आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं अयोध्या जनपद के ग्रामीण अंचल बारावा कोदैला में बने संत राम प्रसाद चौधरी स्मारक महाविद्यालय की। वैसे देखा जाए तो इस विद्यालय की स्थापना जुलाई 2006 में की गई थी, जिसकी नींव आसाराम चौधरी ने रखी थी। यह विद्यालय ग्रामीण अंचल में बीकापुर जाना बाजार मार्ग पर मुख्यालय से 26 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में कोदैला बारावा गांव में स्थित है। इस विद्यालय के प्रबंधक जिले के मशहूर मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के आर वर्मा जी हैं, जिनके कुशल निर्देशन पर विद्यालय में शिक्षा दीक्षा दी जा रही है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के छात्र छात्राओं को बीए, बीएससी, एमएससी, डीलेट की कक्षाएं चलाकर ग्रामीण बच्चों का शैक्षिक उत्थान भी किया जा रहा है। संत राम प्रसाद चौधरी महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना का कोर्स भी कराया जाता है। इस महाविद्यालय में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, समाजशास्त्र, प्राचीन इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, भूगोल, गृह विज्ञान, बीएससी, माइक्रोबायोलॉजी, भौतिक विज्ञान, गणित, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान आदि की शिक्षा योग प्राध्यापकों द्वारा दी जाती है। इसके अलावा आप इस महाविद्यालय से रसायन विज्ञान से एमएससी, वनस्पति विज्ञान से एमएससी की डिग्री हासिल कर सकते हैं। छात्र व छात्राओं के भविष्य व कैरियर को देखते हुए विद्यालय के परिसर में वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान व भौतिक विज्ञान की प्रयोगशाला भी संचालित की जा रही है, और साथ ही साथ में परास्नातक विषयों जैसे भूगोल, हिंदी, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, गृह विज्ञान आदि विषयों में मास्टर की डिग्री लेकर इस विद्यालय के छात्र व छात्राएं कंपटीशन को भेद कर अपना भविष्य भी बना रहे हैं। इस महाविद्यालय परिसर में 32 अध्यापक व अध्यापिकाओं का एक स्टाफ है, जो विभिन्न विषयों में डिग्रियों की महारत हासिल की है। नए दौर को देखते हुए इस विद्यालय परिसर में छात्र व छात्राओं को इंटरनेट और संचार माध्यम प्रणाली को और आसान बनाने के लिए वाईफाई नेटवर्क का भी संचालन किया जा रहा है। ग्रामीण अंचल के इस महाविद्यालय परिसर से शैक्षिक योग्यता हासिल करके तमाम छात्र और छात्राएं देश के विभिन्न विभागों में अच्छे पदों पर चयन होकर अपनी सेवा दे रहे हैं। आइए देखते हैं विराट 24 के लिए अयोध्या से मनोज यादव की रिपोर्ट। आजादी मिले हुए हमको 75 वर्ष बीत गया है, जिसमें हमारे जो बुजुर्ग थे इन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ा और आज़ादी की लड़ाई लड़ने के बाद हमको आज़ादी मिली। तो आज जो है हमारे विद्यालय में इसको जश्न के रूप में मनाया गया, जिसमें राष्ट्रीय गान हुआ, ध्वजारोहण हुआ। इसके अलावा जो है बच्चों ने अनेकों कार्यक्रम प्रस्तुत किए और इस विद्यालय का मान सम्मान बढ़ाए। इस विद्यालय में मुख्य रूप से ये ग्रामीण क्षेत्र में अंचल है, उन ग्रामीण क्षेत्र में ये स्थित है, जिसके कारण जो है बच्चे उत्साहपूर्वक आज जो है इस स्वतंत्रता दिवस को मनाए। विद्यालय में जो सुविधाएं हैं बच्चों के लिए, वो हमारे यहाँ जो प्रैक्टिकल के लिए साइंस साइड में, चाहे भूगोल में या समाजशास्त्र में, ज़्यादातर हम लोग शिक्षा जो देते हैं प्रयोगात्मक ही देते हैं, जिससे बच्चों का विकास हो। वैसे तो यहाँ पर जो है बीए की, बीएससी की, एमए की, एमएससी की, बीटीसी की कक्षाएं चलती हैं, और विशेष रूप से बीए में जो है हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू, संस्कृत, समाजशास्त्र, प्राचीन इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, भूगोल, गृह विज्ञान, और बीएससी में जो है जिसका कि लैब भी हमारे अच्छा है और माइक्रोबायोलॉजी का स्कोप भी बहुत अच्छा है, उसमें विज्ञान और वनस्पति विज्ञान से शिक्षा दी जा रही है। जहां मैं पूछा तो यहां पर 30-31 स्टाफ हैं और सब योग स्टाफ हैं, जिनके द्वारा जो है बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा रही है।